हेलो दोस्त, एक और न्यूज जिसमें आरआरबी चेन्नई भी ऐड हो गया। सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर तो हो ही गया था, तीनों का आरआरबी का डिक्लेयर हो गया है। टीएसटी टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट, यानी आप क्वालिफाई है नॉट क्वालिफाई है। अच्छा रिस्पांस दिख रहा है, परसेंटेज पास करीब करीब 45 प्लस में है, तो कह सकते हैं अच्छा रिस्पांस है। लेकिन अभी ये शुरुआती है, पहली नज़र है, हम दावा नहीं करते कि ऐसा ही होगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन, बहुत लोगों ने तो अभी देखा ही नहीं, उनके पास न्यूज ही नहीं पहुंचा, तो थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। दावेदारी हम नहीं करते, लेकिन थोड़े से वेट करेंगे। लेकिन इससे ये दिख रहा है कि हम लोग सोच रहे थे कि करीब 40% या उससे नीचे रहेगा टाइपिंग टेस्ट में पासिंग परसेंटेज, वो उससे ज़्यादा है। तो 10% करीब करीब अगर ज़्यादा होता है तो असर पड़ेगा कट ऑफ पे, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ये पहली नज़र में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पूरी टाइपिंग टेस्ट का खेल कट ऑफ उसी पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर कम करेंगे तो कट ऑफ कम होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके साथ एक अल्टरनेटिव भी जुड़ा हुआ है, इस पहलू को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का कट ऑफ इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो साथ साथ उसी समय उसी लेवल का किसका, उसी लेवल का जो दूसरे पोस्ट है जिसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसका लगभग लगभग कुछ न कुछ कम होगा। हालांकि फ्रैक्शन में होगा, बहुत कम नंबर में, जो हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि पहले कितना जाता अब कितना जाता, वो बात की बात है। लेकिन जितना उसका ज़्यादा जाएगा टाइपिंग का, उतना ही कम आएगा। तो इसको समझने के लिए दो तीन थोड़ा वेबसाइट पर चलेंगे। सबसे पहले वेबसाइट पर हम चलेंगे वो डाटा देखने के लिए जहाँ पर ये अभी अपडेट हो चुका है। तो लिंक अब ओपन करेंगे तो लिंक में देखिए, अभी यहाँ दिख रहा है चेन्नई, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, आप अपने टाइपिंग टेस्ट का देख सकते हैं। सबसे पहले लोगों का सवाल यही आ रहा है कि दूसरे आरआरबी का कब आएगा। तो देखिए, आप इतना से तो अनुमान लग ही गया होगा, चेन्नई, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी, हमने पहले वीडियो बनाया था, उनमें भी बताया था आपको कि ये उन आरआरबी का हो रहा है जिनका पैनल लेवल 6 का जारी हो चुका है। तो बाकी लोग बोलते हैं कि मेरा चंडीगढ़ है, जम्मू है या अजमेर है, कब आएगा? तो हमें लगता है कि रेलवे इंतज़ार करेगा, सबसे पहले पैनल आपको देगा लेवल 6 का, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का स्टेटस देगा। हालांकि पहले भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो हो चुका है, और आरआरबी ने एक उसके लिए अंडरटेकिंग के लिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन बनाए रखा था कि अंडरटेकिंग लोग नहीं देंगे, वो भी अंडरटेकिंग दे चुके होंगे जो लोग होंगे वो। तो अब यहाँ पे पब्लिश करने में सारा आरआरबी को हमें नहीं लगता है दिक्कत है, लेकिन अभी देखिए ऑफिशियल मैटर है रेलवे का, तो हमें अनुमान यही लग रहा है कि ऑफिशियल मैटर में वो हाइड करके रखना चाहते हैं, जैसे ही पैनल जारी करेंगे उसके बाद आगे देंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन इंडिपेंडेंट आरआरबी है ये तो पता ही आपको है। साथ में यहाँ क्या हट गया है, पीछे के जो लिंक जितने थे, स्कोर कार्ड देखने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, वो सारा हट चुका है। अब जो भी डलेगा सेकंड डीवी वगैरह का, तो यहाँ पे नया लिंक में डलेगा, वो नया अपडेट होगा, ये भी अपडेट है। और उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कटअप कैसे अंतर पड़ेगा उसके लिए देखिए, हमने पीडीएफ का ही यूटिलाइजेशन हमें लगता है हमेशा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जब तक पीडीएफ से नहीं आएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, हमने पीडीएफ अपने वेबसाइट से डाउनलोड करना है। चेन्नई का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ई बुक एंड पीडीएफ वाला सेक्शन में जाके यहाँ से मैं चेन्नई का डाउनलोड कर लूँगा, थोड़ा सा अभी बैक में डोर में जाके कर लिया, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। अब समझाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ इसमें रखा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जब वेबसाइट पे बनेगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ देखिए, लेवल 5 की टाइपिंग टेस्ट की हमने यहाँ पे वैकेंसी निकाल रखी थी, ये है चेन्नई का, थोड़ा एक बार मैं दिखा दूँ ऊपर से, थोड़ा बहुत लोग कहेंगे लेवल 6 वाला स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी चेन्नई है, इसमें हमने सारा डाटा बना रखा था, कितने कैंडिडेट कैसे हैं, कौन से कैंडिडेट किस में गए हैं, उसके बारे के बाद में। तो यहाँ पे देखिए लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट के लिए जो पोस्ट है ना, वो 256 है, ध्यान दीजिएगा, और 275 यूआर का ये केवल बात हो रहा है, 275 ही आपका नॉन टाइपिंग का है, जिसमें सीनियर क्लर्कशिप, कमर्शियल क्लर्क और गुडगार्ड्स वाला पोस्ट है, और इधर देखें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों मिला के दोनों बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट इसमें गए हैं वही है, ये कटअप यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़े बहुत एकाध कैंडिडेट कुछ ऐड हो सकते हैं जिन्होंने टाइपिंग की पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दे रखा होगा, अगर टाइपिंग का दे दिया वो कैंडिडेट सब इसी में है। तो कैंडिडेट कितने हैं, तो कैंडिडेट टोटल होने चाहिए थे 4922 और हैं कितने, 5017 चेन्नई में,
और पोस्ट कितनी है, पोस्ट आपको दिख रही है कितनी, 556 और ऊपर में 556, लगभग 564, यानी टाइपिंग टेस्ट के 536 और 634 आपके नॉन टाइपिंग टेस्ट का। अब ध्यान देने बात है कि टाइपिंग टेस्ट का थोड़ा कटअप बढ़ेगा तो इसका कटअप थोड़ा कम होगा, और कैंडिडेट कौन रहेंगे, वही रहेंगे जो कैंडिडेट ऑलरेडी लगभग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गलतफहमी में नहीं रहिएगा, अगर टाइपिंग टेस्ट का थोड़ा कटअप कम हुआ तो उसका कंपनसेशन नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट से होगा, अगर कटअप टाइपिंग टेस्ट का कम हुआ तो उसका कंपनसेशन आपको यहाँ पे बढ़ के होगा नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला। कंसेप्ट समझ ले, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी ये डाटा हमें बना रखे हैं इसीलिए। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब ऑलरेडी इतनी कटअप गया है तो इससे तो ऊपर ही होगा कटअप, यूआर का 73, लेवल 5 का 61, यूआर का इधर एसी का 61, 53, एसटी का 70, आपका ओबीसी का और 64.87 ईडब्ल्यूएस का है, ये 120 में से है। उसी तरह लेवल 2 में देखेंगे, लेवल 2 में भी जाएंगे तो लेवल 2 में एक इशू अलग है, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की पोस्ट संख्या ज़्यादा है, नॉन टाइपिंग में गिने चुने पोस्ट है कहीं कहीं, जैसे ट्रेन क्लर्क का 33 है, यानी ध्यान देंगे कि यहाँ पे 395 के अगेंस्ट 33 है, तो यहाँ तो टाइपिंग पे ही पूरा फोकस है, जितने कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग टेस्ट वाले ही हैं मैक्सिमम, नॉन टाइपिंग वाले टेस्ट यहाँ पे कम है। यानी लेवल 5 का जो टाइपिंग टेस्ट और नॉन टाइपिंग एक तरह से न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन लेवल 2 में ये कंडीशन नहीं होगा। यहाँ अगर टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा लोग पास कर गए तो डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का कटअप बढ़ेगा, और वो जितना डिपेंड करेगा कैंडिडेट पे। अब इसमें एक चीज़ और ट्विस्ट है कि कितने लोग कितने यूआर वगैरह में क्वालिफाई हैं, ये बहुत सारा मैटर है। देखिए यूआर में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, ओबीसी से तो खास करके बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पे ओबीसी में देखेंगे तो 1381-80 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं यूआर में, और 320 कैंडिडेट क्वालिफाई है यूआर में ईडब्ल्यूएस से, एसटी से 37 और 60 है एससी से कैंडिडेट। तो ये असर बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जब टाइपिंग टेस्ट में ऑलरेडी कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है और टाइपिंग टेस्ट में क्लियर हो गया तो वो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट वाला का कटअप बढ़ाएगा। यानी अभी एक्चुअल डाटा पे हम नंबर पर नहीं बात करके ये सोच सकते हैं कि अभी कुल मिला के लेवल 5 में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, और कुछ आरआरबी में अलग अलग कंडीशन होगा, लेकिन कुल मिला के कहें तो टाइपिंग टेस्ट में जितने लोग पास होंगे उतना ही आपका कटअप टाइपिंग का बढ़ेगा, लेकिन जितने टाइपिंग टेस्ट का कटअप बढ़ेगा उतना ही नॉन टाइपिंग टेस्ट का कटअप कम होगा। तो चलिए, एक आरआरबी और बचा हुआ है गुवाहाटी, जहाँ पे पैनल जारी हो गया है, उसका भी अपडेट शायद एक दो दिनों में टाइपिंग टेस्ट का आ ही जाएगा, और हमें तो लगता है कि रेलवे को सभी आरआरबी का दे देना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो कैंडिडेट का डिसीजन लेना होगा वो अपने आप ले लेगा। थैंक यू, धन्यवाद।